काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. असाइनमेंट सबके पास है ये, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. ठीक, इसे ओपन कर लें. अब एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी में, जो काइनेटिक एनर्जी है, इमेजिन करो एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुई. थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई. देखो अपने आप वेलोसिटीज कभी बढ़ती नहीं है, पाक पक्की है. तुमने क्या लगाई होगी उसके ऊपर, फोर्स लगाई होगी जिससे कि वेलोसिटी बढ़ गई. तो वेलोसिटी कितनी हो गई, यू से वी हो गई, जीरो से वी हो गई. तो आपने इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया, जो वर्क डन किया उससे वेलोसिटी गेन हो गई इस बॉडी की. कितना वर्क डन किया, तो मान लो एफ फोर्स लगाई, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, एस डिस्टेंस है और वी फाइनल वेलोसिटी है. तो मान लो डी एस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रही है रास्ते में, और अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, एफ डी एस कॉस जीरो. तो ये स्टेप क्लियर है. मैं पहले छोटा वर्क डन निकालूंगा, फिर मैं टोटल वर्क डन निकाल दूंगा बाई इंटीग्रेशन. हालांकि इसमें इंटीग्रेशन के बिना भी हो जाता है, बिकॉज फोर्स इसमें कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट अ वेरिएबल फोर्स. तो फोर्स होती क्या बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी. अब ध्यान से देखना इधर, मैंने इस फोर्स की वैल्यू को यहां से उठा के यहां रिप्लेस करना है, देख रहे हो. तो एफ की जगह क्या पुट कर दिया, एम डी वी बाई डी टी, देख रहे हो, एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एस. तो मैंने क्या किया, एम इंटू ए में इस फोर्स की वैल्यू को यहां पे पुट किया. जैसे पुट किया, डी वी बाई डी टी की जगह डी एस बाई डी टी कर दिया. डी एस बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी वी. तो मैंने क्या निकाल दिया कि इस बॉडी की वेलोसिटी जीरो से वी हुई, एकदम तो नहीं हुई, पहले स्मॉल वेलोसिटी चेंज हुई डी वी, जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया डी डब्ल्यू, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज है डी वी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू. टोटल वेलोसिटी में क्या चेंज आया, जीरो से लेके वी तक. तो वेलोसिटी के साथ इंटीग्रेशन है, तो टोटल चेंज के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन में वेलोसिटी की लिमिट्स क्या पुट करेंगे, जीरो से वी. वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां, जीरो से वी. और जब जीरो था वर्क डन जीरो था, जब वी वेलोसिटी होगी तो टोटल वर्क डन आपने कितना कर दिया, डब्ल्यू. तो यहां पर लिमिट डब्ल्यू की लगेंगी, यहां पर लिमिट वी की लगेंगी. तो वन डी डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू, और वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी स्क्वायर बाई टू. एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जीरो है. तो आंसर क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये जो आपने वर्क डन किया ताकि वेलोसिटी जीरो से वी हो जाए, यही वर्क डन आपको दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर. और दिस इज द एक्सप्रेशन डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. हाफ एम वी स्क्वायर, इस रिजल्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड. तो न्यूमिनेटर क्या बन गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर. एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मतलब एम वी का होल स्क्वायर, और एम इंटू वी क्या होता है, पी, लीनियर मोमेंटम पी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाई टू एम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री करो इस फॉर्मूले की. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई टू एम. पी स्क्वायर बाई टू एम बहुत ज्यादा यूज होता है, पूरे दो साल में कम से कम 200 बार यूज होगा. ठीक है, तो आज के बाद काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में पी स्क्वायर बाई टू एम.